এনেকে আমি স্বীকৃতি পোৱাৰ কাৰণে বহুত যুঁজিছিলোঁ। বিভুৰাম বড়ো, ৰামদাস বসুমতাৰী, মণিৰাম মোছাহাৰী, তেখেতসকলক আমি পাহৰিব নোৱাৰিম। এইটো কাৰণত তেওঁলোকে যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া, সেই ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি ফুলফিল কৰাৰ কাৰণে যিটো প্ৰচেষ্টা লৈছিল, তথাপিও নন শ্বিডিউল্ড ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ হিচাপে, ভাৰতৰ এটা লেংগুৱেজ হিচাপে বড়ো ভাষাই স্বীকৃতি নাপালে। পিছত 2003 BTC চুক্তি 9 নম্বৰ দফাত আমি এই ভাষাটো এই শ্বিডিউলত, অষ্টম অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কাৰণে সুবিধাটো পালোঁ। বড়ো থুনলাই আফাদ বা দুলাৰে বড়ো ফৰাচী আফাদ, যোন যদি সংগ্ৰাম খালামামোনব্লা, তেনে অনিল বসুমতাৰী দং, অনিল বসুমতাৰীয়া সাছে ডাইনামিক দৈদেনগিৰিমোন, গংগাধৰ ৰামচিয়াৰী ডাইনামিক দৈদেনগিৰিমোন, যোন বিৰাট যুদ্ধ খালামনানে বড়ো ৰাও থুনলাইখৌ জৌগানায়জন লগেছে, আৰু 74-75 যোন স্ক্ৰিপ্ট মুভমেণ্টবো খালামদোমোন, সেই সব মুভমেণ্ট মুভমেণ্টনি গেজেরজন যেন ফৈনাই হারি, আর যেন সোমসারনাইনি বে লাঙ্গনাসিম মনফৈনা, খালি সোমসারনাই, খালি সোমসারনাই, দাসিমবো সোমসারনাই জেবাকাই। असम के अंदर 1960 से भाषा को लेकर भिन्न एथनिक समुदाय के बीच आंतरिक आंदोलन और पूरे देश में 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण बने हुए खतरे का माहौल, इन सब कारणों से मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय एक अलग राज्य बना। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इधर बोडो साहित्य सभा भाषा और साहित्य के क्षेत्र में काम करने के साथ साथ अपने अलग अलग अधिवेशनों में सालों तक इस बात पर मंथन करते रहे कि बोरो लोगों को कौन सा स्क्रिप्ट इस्तेमाल करना चाहिए, रोमन, असमिया, बंगाली या फिर देवनागरी। इसके लिए बोडो साहित्य सभा ने सही सिंगरा नामक एक सब कमेटी का भी गठन किया ताकि इस बात पर एक निष्पक्ष राय बने। काफी समय के बाद सही सिंगरा साहब कमेटी ने बोरो लोगों के द्वारा रोमन स्क्रिप्ट के इस्तेमाल की बात रखी। हमारा स्कॉलर जो पंडित लोग थे वो लोग बोला था, वो जो असमी स्क्रिप्ट या बंगाली स्क्रिप्ट में बोरो भाषा को लिखने के लिए थोड़ा तकलीफ है, थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए उसी टाइम में हमारा पंडित लोगों ने बोला था जब रोमन लिपि होगा, जब तो एक इंटरनेशनल स्क्रिप्ट होगा, वो लिखने में भी थोड़ा अच्छा है और प्रोनाउंसिएशन भी ठीक से हो होगा बोरो लैंग्वेज के लिए। ऐसा सोच के हमने मांग किया था कि बोरो भाषा के लिए रोमन लिपि ही सही लिपि होगा।
24 से 26 फरवरी सन 1970 वेस्ट बंगाल के महाकालगुरी में हुए बोडो साहित्य सभा के 11th एनुअल कॉन्फ्रेंस में रोमांस स्क्रिप्ट को अपनाने का एक आधिकारिक प्रस्ताव पास किया गया। और इसको हमने असम सरकार को इसी टाइम में असम का चीफ मिनिस्टर वो शरद सिंह जी थे उसी टाइम में हमने मांगा था से हमारा बोडो भाषा के लिए बोडो मीडियम के लिए रोमान लिपि है सही होगा। लेकिन उसी टाइम में असम सरकार ने और असम का ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोगों ने विरोध किया था कि ये हो नहीं पाएंगे, हम रोमान लिपि को हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो उसी टाइम में बोडो साहित्य सभा और निखिल बोडो छात्र संघ थाने मिल के एक संग्राम की कार्यक्रम हम निभाना पड़ा। इवन 72 से ये स्क्रिप्ट मोबाइल वो फिर शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? एसामी स्क्रिप्ट एसामी लिंग्विस्टिक कम्युनिटी हमको अच्छा नहीं मानते और हम क्यों एसामी स्क्रिप्ट हम क्यों इस्तेमाल करेंगे? हम धीरे धीरे ये आ गया, धीरे धीरे ये आ गया और 73-74 में ये असली ढंग से ये शुरू हो गया। नहीं चाहिए हमको, हम खुद जीना है, खुद एक पॉलिटिकल हमको एक बैकग्राउंड चाहिए, पॉलिटिकल अधिकार चाहिए हमको, राजनीतिक अधिकार चाहिए हमको। कहाँ से शुरू होगा राजनीतिक अधिकार? पहले हम बोडो जातीय प्रभाव से शुरू करेंगे, पहले हम लिखित रूप से करेंगे। खुद जीना है, पहले ब्रिटिश ने हमारे लिए सब कुछ किया, रिटेन लिटरेचर किया, फोक लिटरेचर सब कुछ ये कलेक्ट किया। ब्रिटिश ने किताब लिखा हमारे ऊपर, असमिया लिंग्विस्टिक कम्युनिटी कौन लिखा हमारे ऊपर? कुछ तो नहीं लिखा, हाईलाइट नहीं किया, ब्रिटिश किया। ये धीरे धीरे आ गया, इसीलिए तो रोमांस स्क्रिप्ट आ गया। जो आंदोलन किया आंदोलनकारी ये सब कुछ मिलजुल के डिसाइड किया हमको रोमांस स्क्रिप्ट चाहिए। पुस्तक भी निकला था प्राइमर उसी टाइम में, रामदास बोडो ने पुस्तक भी निकला था। फिर बोडो साहित्य सभा ने रोमांस स्क्रिप्ट में बिठोराय नामक किताब पब्लिश कराया और 22 अप्रैल 1974 को रोमांस स्क्रिप्ट में लिखी इस किताब को क्लास 1 में टेक्स्ट बुक के तौर पर इस्तेमाल करने की विनती बोडो मीडियम के सभी प्राइमरी स्कूल्स के टीचर से की। बोडो साहित्य सभा के इस कदम को असम गवर्नमेंट और असम साहित्य सभा को अलगाववादी की प्रवृत्ति और असामीज के प्रति विद्वेष की भावना दिखाई दी। असम सरकार ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, साथ ही उन सभी टीचर्स के सैलरी को भी रोक दिया जिन्होंने बिठोराय किताब को क्लास 1 में पढ़ाने की कोशिश की थी। रिटेन लिटर से शुरू किया, खुद लिखा, मैगजीन पब्लिश किया, पुस्तक पब्लिश किया बोलो। और सर दीजिए आप लोग नहीं देगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम खुद शुरू करेंगे, हम खुद शुरू करेंगे, जातीय प्रभाव खुद शुरू करेंगे, रिटेन लिटर से खुद शुरू करेंगे, हम लिखेंगे। लिखने के लिए एक मीडियम हमको चाहिए, पहले असमिया लेंगे, असमिया स्क्रिप्ट जो ब्राह्मी से देहरादून से हुआ जो रूपांतर हुआ असमिया स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट में लिखा था पहले फर्स्ट पुस्तक बोडो भाषा वर्ल्ड और उसके बाद फर्स्ट मैगजीन विवाद फ्लावर, ये मैगजीन में लिखा था ऐसा भी स्क्रिप्ट से। लेकिन असली ट्रेजेडी है हमको वो लोग जो नॉन ट्राइबल लीडर नॉन ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ असम वो लोग हमको अच्छी तरह से अच्छी ढंग से नहीं देखते, हम एक्सेप्ट नहीं करते। बोडो साहित्य सभा के अलावे बोडो समुदाय को लगा कि उन्हें अपने सुविधा अनुसार भी पढ़ने से वंचित किया जा रहा है और अपने समुदाय को आगे बढ़ाने और उन्हें अपने तरीके से शिक्षित करने के लिए भी किसी और की परमिशन की जरूरत पड़ रही है।
इसीलिए बोडो साहित्य सभा ने 12 सितंबर 1974 से डेमोक्रेटिक आंदोलन शुरू किया। All the Bodo people, even I think that time I remind, recall, in a family, not a single person was left who is not going to the support this agitation of the Romance script movement. Birat khoyphodi gejerti jing be andolon ko khalamnu ganan jadomon bitin hari ni thakibo jing pur najanu ganan jadomon bitin gauni janai lengnai thangnai niu batra nokora sanu ganan jadomon lamabo goyamon bidi mojang manchipurni economic condition abo mojang nungamon cycle ganang manchiyanu dhoni bi bidi simon bi somoha gari gurani batrabo goyamon motorcycle ni batrabo goyamon jeng thabai thabai he cycle lai lai heine jeng puro andolon ni thakai jeng mane mobilize khamun aro bi somo monse batramon jene leader a jibunga खासे लीडरनि बाथ्राखौनो मोनसे खुरांखौनो जों बयबो मानिना लायोमोन निर्देखैबाय मिरुनिफ्राय जे प्रत्येक माबाफोरावहा बिडिअ अफिसफोराव बा हाई स्कुलफोराव जाय जिर'हा हायो बेफोरबायदिफोरावहा जोंफोर धरना होनांगौ जों हरजों हर गिदिंनानै जों धरनानि थाखाय सबखौबो अर्गेनाइज खालामबाय बिदिनिफ्राय जों धेकियाजुलिनिफ्राय जेसेबां गामि बर' गामि दं सब बर' मानसिफोरखौबो जों बुथुमबाय बुथुमनाय सब हौवा हिन्जाव सिख्ला बुरै बोराय सब जों ओंखारलांबाय ओंखारलांनानै जों बेवहाय बरगाव बाजार मोनसे दङ दाबो दङ बेयो बरगाव बाजाराव लोगोसे जानानै जों धर्ना होनो थांबाय पुलिसफोरा बेवहाय जौ जौ पुलिस जानानै जोंखौ बाधा होबाय बाधा होनायावहा बेयावनो जों नाख्रां नुख्रां जालायलायबाय नाख्रां नुख्रां जालायलायनायाव आरो पुलिसाबो हगारा जोंबो हाबनो नागिरो दा बेबायदिनो माने कन्दुवा गेसबो होलायलायबाय जोंफोरनो कन्दुवा गेस होनो माबा बर' मानसिफोराथ' जोंफोर बे समाव मा कन्दुवा गेस जों मिथिया सिलायखौसोल' मिथियो सिलायजों गावहरो जों भाबियो मा माने गुलि गावबायना जों खासेर खासेर खारो उनावहाय गं मोनसे मोननै कन्दुवा गेस जाहाथे फायनानै बेदफोर फैयोब्ला उखुन्दै ओंखारो मानसिफोरा उनावहा माने उखुन्दैनि गोन्दो लानो हायैनि खारना खारोमोन जोंफोरबो खारोमोन बरगाव बाजारावनो जों थानानै बिदि आन्दलन खालामबाय खालामनानै बिदि होफुंबाय होसोबाय सोरखौबा बुखुरबाय सोरखौबा नाख्रुबाय सोरखौबा गाख्रेबबाय गानानै है नोंसोरो सोरबा बिसोरो पुलिसफोरा ओरैबायदिमोन लिपिनि बाथ्राखौ बिसोर बुजिया बे समावहा पिटिसिनि बाथ्रासो बेरखांबाय थादोंमोन सबनि माबा माबा समावहा पिटिसि होननानै बिसोर माने रायजो नायगिरग्रा मानसि बिदि होननासो बिसोरो गांसिनानो बे माने जेनेरेल जितु पुलिस बिसोर बेखौसो बुजियोमोन जों जे लिपि नायगिरनानै रुमान हांखौ नायगिरनानै जे माबा आन्दलन खालामदों बेखौ बिसोर माने बारा बुजियामोन दा नोंसोरो माने रायजो नायगिरग्रा मानसि नोंसोरो माने एक्सट्रिमिस्ट नोंसोरो बिसिन्नतावादि हेन टेन टेन होननानै ए फारसेखरनिफ्राय बुख्रुब फाख्रुब बुरि बुरि माने 60 इयार्सनि बुरिबो थांफादोंमोन जोंफोरजों बिसोरखौबो बुख्रुबबाय खारबाय जोंफोरबो उनाव गोबांखौनो हमबाय बरगाव बाजारावनो हमबाय सोरबा खारि खारि फैनायाव थेलामारा अनसोला राजा लामावहा मोननानै बेयावबो हमना बुबाय गारियाव दिखां दिखां लाना थांनानै बहुद माने जोंफोरनि सेंग्रा सिख्ला माने बराय बुरि सबखौबो हमनानै बिसोर तेजपुराव लाना थांबाय तेजपुराव लांना बेवहाय जेलाव सोहैबाय74
बे माथाइनि 28 सेप्टेम्बर जोंनि बियोनो मोनसे दावहा जादोंमोन दावहा माने जोंनि बियो प्रजापति हाइ स्कुल होननाय दा हायार सेकेन्डारि बेखौ माने बन्द खालामनो थांनाय आरो जों बिसोरनि माने बिसोर बन्दखौ मानियाखैमोन आरो मानियैनि माने खुलिनानै बिसोर सलायबाय थादोंमोन जों नाथाय ताला साला लगायनायमोन बेयावनो जाहा लाथि चार्ज जाबाय बायदिसिना जानानै जोंनि मानसिफोरा सब जेलावबो थांनांगौ जाबाय बांसिनै जोंनि बरगाव आरो घरामारि घरामारि हायार सेकेन्डारि बेयावहाय फरायसाफोरा गोटै जेल जाहैनो गोनां जाहैबाय जाहाना जोंनिया जोंनि बेयावथ' फरायसाल' नङा गासै रायजो राजाफोराबो बिदिनो जादों गोबाङानो बिदिनो लाथि चार्ज जिउ गोनां रुमान लिपि बाहायनांगौ बेखौ बुंनो थाखाय जों ओइखालिनो हरहा तेजपुराव थांबाय माबा बख'नो हागोन नामा होनना होआसै ओमफ्राय सब जेलाव थिसनजोबना दोनबाय एक मास ना पन्द्र' दिन बेसेबांसो लाखिबाय लाखिनानै बेवहा थानावहा बिदि सावरायलायनानै उनाव बिथांमोनखौ हगारना होबाय हगारना होनाय जाबाय गोबाङानो गुनिया जाबाय गोबाङानो माबा जाबाय हस्पिटालावहा दोनहैबाय बिसोरनो दोनहैदों लामा सामा मोनहैयो मोनबा बिसिनि समावहा बर' माने एक्सपिरियेन्स होननानै जिरुनो बिरुनो जिखुनु अबस्थायावनो बुख्रु खाख्रु खालामोमोन बेफोरनियाथ' एबाउट 400 माने सुबुङा बेफोर जेल जानो गोनां जादों माने बुख्रुब जादों बिदि जादोंमोन बांसिनानो आं सानो बे जोंनि सुनितपुर जिल्लायावनो बांसिन जादों बायदि आंहा माने अनुमान जादों सुरात्तर सनाव जोङो खासियाबारि स्कुलनिफ्राय क'क्राझार एसडिअ अफिसनिसिम मोनसे मा होनो बेखौ सावतान होदोंमोन बहाय जों फैयै फैयै जेथियानाखि एसडिअ अफिसनि मोनहां मोनहां जानाय ट्रेन लाइननि साहाथिंजायनो पुलिसफ्रा बेखौ होबथानानै टियार गेस बायदिसिना गावनानै बेहाय अनेक जाथाय जादों दा बहाय सानै मानसिया दुब्ला थैखादों ओमफ्राय आंहाबो थैनोमोन नाथाय मा हिसाबै जे आंखौ इसोरा दोनखो आंखौ बेहाय हथात माबानाय गुलि नांनानै पुलिसफोरनो हरथ'वाखैमोन जोंनि सात्र गथ'फ्रानो आंखौ लाखोमाना खारदोंमोन लास्टआव माने बहाय फाथै बारियाव दोनहैनानै बाङालि सासे गथ' प्राइभेट डाक्टार नागिरनानै इन्जेकसन होनो नागिरदोंमोन आं होनदों देहाखौ आं खिबाय था मोनदों थैसिगोन दां खि ना थैया सानिख नांहां नांहां जाबाय आरोखि थैया गजोब्बाय ना बिनि उनाव सानिखबो नाङाखिसै ओमफ्राय बियो आंनो टेब्लेट खरामिन टेब्लेटल' जाहोबाय जाहोना दाना नों बेखौ नोंसोर बेखौ न'आव लांबा फोथैगोनसे मानसियाथ' साइजआ माथो रायज्लायनो बायलायनाय इसे रोंगौबायदि मोनबाय आङो आं बिसोरखौ बेखौ पुलिसनो हैफिनसै पुलिसा गभर्नमेन्ट सिकित्सा खालामो होननानै बे डाक्टारानो गाव थेला लायनानै आंखौ पुलिसनो हैदों पुलिसनो हैनानै आंखौ दाहाम दुहाम सेलाय देलाय खालामबाय बहाय दसेल' दोननानै दाना आंखौ बे समावथ' बहायथ' डिस्ट्रिक्टबाबो माबा फैयाखैमोन डिसिआ धुबुरियावसो लाना थांनांबाय गोथैखौ सिङाव लाबाय आंखौ साहाव लाबाय ओमफ्राय धुबुरियाव आं सानसे थादों अखानायैनिफ्राय दाना 21 तारिखआव आङो माबायाव सौहैदों गुवाहाटीयाव मेडिकेल हस्पिटालाव दा बेहायनो बेहाय आं 31 दिन थानानै आङो जेफियानोखि रिलिज जायो क'क्राझाराव आंखौ जेलावसो लिरना हरबाय कचबिहाराव खननै थांदां जायाखै आरो इउपिआव थांबाय आं गैया गैथारि जिनिसखौ बहा मोननो होननानै आं आंगायना थादोंनानै
दा आंना जिवा बे खानायनि थानांगौआनो जाहैबाय माथो खालामबावनो हारिनि मोनसे हारिखौबोथ' बयबो हेफाजाब होलायनांगौआव बयहाबो गोनां दायित्व दङ बे हिसाबै आंबो बारसिनदोंमोन आरो बेल' नङा समाजनि होन बा जिखुनु हिनजाव होबथानायनि होन एनि आदार पार्सन जों नांथाबना फैखानाय मानसिमोन नाथाय आं दा खाना जानानै थानांबाय उस लिपि आंदोलन में जो लोग शहीद हो गए उन लोगों को तो शहीद की उपाधि दी गई लेकिन जो लोग घायल हुए उन लोगों में से कई जिंदगियां अभी भी रोशनी की तलाश कर रही है सारा आसाम आरोबाव महाबा महाबा सोरखौबा रेप खालामदों सोरखौबा बुख्रुबदों माहादों और ये संग्राम को दमन करने के लिए उसी टाइम में चीफ मिनिस्टर सरोज सिंह जी और होम मिनिस्टर हितेश शइकिया जी ने बहुत कड़ा से कड़ा कार्रवाई किया था उसी टाइम में फर्स्ट 28 सितंबर 1974 में बरपेटा जिले के अभी बरपेटा रोड के सजनीकांत हाई स्कूल में एक पिकेटर के ऊपर असम पुलिस ने गोली चलाया और उसमें फर्स्ट अमला राम बोरो और शिवराम बोरो शहीद हुए थे इसके बाद एक के ऊपर एक पुलिस हमला हुआ था और ऐसा ही छल्लो बोरो युवकों ने अपना जान को अपनी भाषा के लिए अपनी लिपि के लिए त्याग करके शहीद बना ये असम सरकार का एक गलत कार्यक्रम थे क्या हुआ ढेर सारे आदमी मर गया वो लोग मार दिया पुलिस ने मारा लगभग 18 मतलब आदमी मार दिया वो लोग गोली कर दिया a good number of people's were even the jailed and 18th martyr you know with the for the greater interest of the Roman script in order to demand of the Roman script 18 martyrs among the Bodo peoples and thousand Bodo peoples were jailed in that time विश्व में ऐसा इतिहास नहीं है जहाँ सिर्फ अपना अक्षर के लिए अपना लिपि के लिए एक जातियों का युवक शहीद होना पड़ा और इसके बाद क्या हुआ और इंदिरा गांधी जो गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट वो कब्जा किया नहीं आप लोग ऐसा मत करिए आप लोग क्योंकि एक जाति जीना है तो स्क्रिप्ट से नहीं और अलग ढंग से वो ये कंसल्टेशन हो गया अलग ढंग से या नहीं है ये स्क्रिप्ट ठीक नहीं है रोमा स्क्रिप्ट है इट्स ऑटोग्राफी इसे It's a orthography. It is not a matter to go over the
to low way for development for the Bodo. This is not right fact. वो मान लिया उसके बाद नहीं नहीं हुआ और ऑथो क्यों ऑथो और 22-23-24 हज़ार लोग मर जाते उसी टाइम में मैं सोचा था कि नहीं ठीक है सब आंदोलन करेंगे और ये सोच दिया और फिर इंदिरा गांधी का अपन जो डिसाइड किया और ये जनता ने ले लिया लेकिन असली जो अंदर का जो मोटिवेशन ये अलग है ये पॉलिटिकल पेपर है इसलिए मैं बोला था ये पॉलिटिकल है कारण एसामिस लिंग्विस्टिक कम्युनिटी से अलग होना ये बहुत जरूरी है ये सोचा था पहले अभी भी ये एस्पिरेशन है नौ अप्रैल 1975 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और बोडो साहित्य सभा के बीच देवनागरी लिपि को लेकर एग्रीमेंट हुआ और बोडो साहित्य सभा को अपना आंदोलन वापस लेना पड़ा और 13 अप्रैल 1975 को देवनागरी लिपि को बोडो भाषा के लिपि के तौर पर इस्तेमाल के लिए स्वीकार करना पड़ा आगुनि जिन आसा लिपिया हारसा लिपिमन बेखौबो जों फरायबाय फरायनो फार्स्ट टाइम जों बिथांमोनाबो फराय फरायनो मोनदों आरोखि नाथाय जेब्ला 74 नि बे दावहाया जाबाय ना बिनि उनावसो जोंनिया बे देवनागरिया फैदों बे जाबाय अल बड' साहित्य सभाय थांखिनायजों बेखौ गोरोबना लाबाय माना फरायसाया मानियाखैमोनदि फरायसाफोर अल माने स्टुडेन्ट बड' स्टुडेन्टफोरा बिसोर मानियो आरो दा बेखौ सोलाय सोल' खालामना जों एकदम देवनागरिखौनो लाथारगोन होननानै लाखिबाय आरो बल'आ बांसिन बाहायबाय बर' फरायसा आफादा दा बर' फरायसा आफादा बिदि बुङोब्ला जों साहित्यलाय मा खामानिया मावगोन फरायसाफोरासो फरायगोन गवर्नमेंट सेटअप स्कूल्स कॉलेज में आज भी बोडो भाषा को देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है बोडो भाषा और साहित्य के प्रति बोरो लोगों के अंदर जागरूकता आए इसके लिए भी बोडो साहित्य सभा ने बहुत से कार्य किए मंथली और ईयरली मैगजीन निकालकर बोरो लोगों को ज्ञान का भंडार बांटने लगे इसके बाद बोडो साहित्य सभा इतिहास बनाते गए और उनके कार्य इतिहास बनते गए बोडो इज आवर मदर टंग सो वी मस्ट हैव नीड आवर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द स्कूल एंड कॉलेजेस सो वी मस्ट हैव टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी And it is raised by Bodo people and it is headed by all Bodo Students Union and all Bodo Saito Sobha. We must have to thank the APSU and Bodo Saito Sobha. These two organizations, credit will go for them. गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से भारत के आधुनिक भाषा के तौर पर स्वीकृति मिलने के बाद 1996 को गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से प्री यूनिवर्सिटी में बोडो को एमआईएल का दर्जा मिला गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में अलग बोडो डिपार्टमेंट खोला गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में बोडो भाषा को एक भाषा का दर्जा मिला 1985 में असम गवर्नमेंट में बोडो भाषा को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता मिली लिस्ट बहुत लंबी है भाषा और साहित्य के क्षेत्र में बोडो साहित्य सभा का योगदान सराहनीय है दूरी लयाहिप्लाई डिवाइड असम 50-50 ए स्लोगन दिप्लाई आधा माने एकेबारे टर्चर करा बडीटर आधा टर्चर करा आरो बय माने 60,000 से जोंनि बर'फ्रा माने अरुणाचलाव सेटल सेटल जाहैनाय जादों
अभी का जो हमारा न्यू जेनरेशन है उन लोगों को किसी किसी को पता ही नहीं कैसा हम लोगों को ये बीटीसी मिला, उसको भी किसी को अभी तक शायद पता नहीं है ऐसा लगता है हमको। बीएनसी दाखांनायनि उनावनो जोंनि नुनायाव जों बर' हारिजों बै गामि आलासि जालायनो हायै आरो थांलायनो हायै बुथारलायनाया बे खम जादों। उनाव बायख'नानै लायनो हानायसै आरो बिनि उनावबो जोंनि आइजोफोरनि गेजेराव 37 जन रेप केस जादोंमोन। जय बर' हारि, जय बर' हारि, जय बर' हारि।